ओम नमः। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मेली चादर कभी ना नवाया, हे जिन
संतोषमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की। धर्म स्नेह बंधुओ, आंखें तालाब नहीं है, आंखें तालाब नहीं है फिर भी भर आती है। दुश्मनी बीज नहीं है फिर भी बोई जाती है। दुश्मनी बीज नहीं है फिर भी बोई जाती है। हॉट कपड़ा नहीं फिर भी सिल दिए जाते हैं। किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है। बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है। बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है। आत्मसम्मान शरीर नहीं, शब्दों पर ध्यान देना, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है। और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। इस युग की देन महानुभाव, आंखें तालाब नहीं फिर भी भर आती है। दुश्मनी बीज नहीं फिर भी बोई जाती है। हॉट कपड़ा नहीं फिर भी सिल दिए जाते हैं। किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है। लोहा बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाता है। आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है। कोई आपको नमस्ते न कर पाए तो आप घायल हो जाते हैं। उसने मुझे नमस्ते नहीं किया, आप सोचते मैं बहुत ही बहुत काम काजी कामयाबी श्री संपन्न इंसान, मुझे नमस्ते नहीं किया। आत्मसम्मान शरीर का नहीं। कोई ऐसा हाथ जोड़ ले तो आप गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं, लेकिन वो सम्मान शरीर का नहीं व्यक्ति के गुणों का होता है। और जब आदमी चंचल हो जाता है तो इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। मनुष्य जब सेल्फिश हो जाता है तो अपने सारे सिद्धांतों को भूलकर अपने सम्मान के लिए जीवन की कुर्बानी देने को भी अग्रसर हो जाता है। लेकिन धर्म स्नेही बंधुओं, किस्मत सखी नहीं, भाग सखी नहीं फिर भी असो कर्म आने पर रूठ जाता है। और ऐसे वक्त में हमें केवल पंच परमेश्वरी का सहारा ही रूठे हुए लोगों को मनाने में कामयाबी दे सकता है। जो इंसान किस्मत ठीक न होने पर भी अपने मन के लिए मलिन बनाकर चलता है उसका जीवन दुखमय हो जाता है। जिस दिन हमें समझ जाएंगे, जिस दिन हमें समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन हमारा जीवन सुखी हो जाएगा और दुख
समाप्त हो जाएगा। जीवन का कड़वा सच हमें सामने वाले व्यक्ति के लिए एक तरफा अपने स्वार्थ के कारण जवाब देकर के अपनी जीवन बगिया में कांटे बोने की वनस्पत फूल खिलाने की जरूरत है। वरना आप समझिए, किस्मत की एक आदत है वो पलटती जरूर है, किस्मत की एक आदत है वह पलटती जरूर है, और जब पलटती है तब पलट कर रख देती है। अतएव अच्छे दिनों में अहंकार ना करो और बुरे समय में थोड़ा सब्र रखो। अच्छे समय में अहंकार जागृत हो जाता है, आदमी वही भी कह देता है जो नहीं कहना चाहिए, और जब समय बुरा आ जाता है तो हौसले टूट जाते हैं, सब्र छूट जाता है, और जब सब्र छूट जाता है तो बड़ी विचित्र स्थिति होती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, चूहा अगर पत्थर का हो तो सब उसे पूजते हैं। हिंदू मंत्रों में देखा है, चूहा अगर पत्थर का हो तो सब लोग उसे पूछते हैं, मगर जिंदा हो तो उसे मारे बिना चैन नहीं लेते। सांप अगर पत्थर का हो तो सब उसे पूछते हैं, मगर जिंदा हो तो उसी वक्त मार देते हैं। मां अगर पत्थर की हो तो सब पूजते हैं, मगर जिंदा हो तो कीमत नहीं समझते हैं। बस यही समझ नहीं आता कि जिंदगी से इतनी नफरत क्यों और पत्थरों से इतनी मोहब्बत क्यों। काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाए। इस देश में सदैव से बुतों की पूजन होती आई है और जिंदा आदमी की कीमत नहीं आंकी गई, इसलिए आज भारत चरित्रवान होते हुए भी वही नहीं उपलब्ध हो कर पा रहा है जो होना चाहिए। धर्म स्नेह बंधुओं, पत्थर की मां की पूजा करना और जिंदा मां की आरती उतारना, मां को मानना और मां की बात को मानना बड़ा फर्क है। मां को मानते हैं, मां की बात को नहीं मानते, इसलिए परेशानियां कदम कदम पर नजर आती हैं। जिंदगी की हकीकत तो बस इतनी ही जानता हूं, जिंदगी की हकीकत तो बस इतनी ही जानता हूं, दर्द में अकेले हैं और खुशी में जमाना है। दर्द में अकेले हैं, खुशी में जमाना है। एक बात और कहना चाहता हूं, टूटा हुआ फूल खुशबू दे जाता है, टूटा हुआ फूल खुशबू दे जाता है, बीता हुआ पल यादें दे जाता है। हर शख्स का अपना अंदाज होता है, कोई जिंदगी में प्यार तो कोई प्यार में जिंदगी ले जाता है। आप बुतों की पूजन करते हैं, लेकिन जिंदा चरित्रवान व्यक्ति के लिए आपके पास समय नहीं है।
नाग मंदिर में जाकर नाग की पूजा करेंगे, लेकिन नाग जिंदा है तो मारने को तैयार हो जाते हैं। क्या व्यक्ति की पहचान मरने के बाद ही होती है? लगता तो ऐसा ही आज व्यक्ति की पहचान मरने के बाद होती है। जिंदगी बेहतर तब होती है, जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं। लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। माँ का भी कुछ उत्तम क्वालिटी का पुण्य होना चाहिए कि हर बच्चा माँ से खुश हो सके। और इसलिए आज माँ अपने पूरे परिवार को संभाल नहीं पाती। माँ का नेचर परुष कठोर हो जाता है, उम्र के साथ चिड़चिड़ा हो जाता है। और जब दूध मीठा होने का वक्त है, लोग दूध का स्वाद ले सके, लेकिन दूध का स्वाद नहीं ले पाते। माँ अपने स्वभाव के कारण बेहतरीन जिंदगी नहीं जी पाती। बेहतरीन जिंदगी के लिए हमें अपने छोटे छोटे स्वार्थों को छोड़ने की आवश्यकता है। आज जितनी माताएं यहां मौजूद हैं, वो सब माता बनने वाली हैं, कुछ माता बन गई हैं। लेकिन माता बनने के साथ आपको परिवार के साथ मोहब्बत का वातावरण पैदा करने की निहायत अनिवार्यता है। अलबत्ता आप मंदिर की चौखट नहीं चढ़ पा रहे, किंतु परिवार में मोहब्बत बना करके रखने की जरूरत है, नहीं तो आपको मन की बीमारी हो जाएगी। अहिमान बढ़ते 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 हिमालय की ऊंचाइयां छूने लग जाएगा तो मन की कौन सी बीमारी होती है? मन की ऐसी नाम याद नहीं रहा उसका, मन की बीमारी हो जाती है, फिर वह पल भर भी स्थिर नहीं रह पाता है। एक सवे सवे व्यक्ति आया, मेरे बेटे का 3.5 करोड़ का पैकेज है, लेकिन उसकी पत्नी को मन की बीमारी हो गई है। दिन भर में 3 लाख का भोजन मंगा लेती है, पति को एक बार खिला दिया, शाम का रखा भोजन वहां करे तो इन्फेक्शन हो जाता है। 3.5 करोड़ का पैकेज क्या करेगा? मन की बीमारी हो गई। और प्रायः करके जो जो उम्र बढ़ती है, मन की बीमारियां पकड़ती जाती है। जवानी में भी अत्यधिक मान के कारण मन की बीमारी होती है, अपेक्षाओं के कारण मन की बीमारी। अपेक्षा हमारी बहू या हमारा बच्चा नहीं कर पाया, खरा नहीं उतरा, तो परिवार बिस्तर होने लग जाता है। इसलिए मैंने आपसे कहा, आपकी ओर से मेली चादर ओढ़ के भगवन द्वार तेरे कैसे आऊं। आने का बड़ा मन करता है, लेकिन मानसिक बीमारी के कारण भीतर से तंत्रस्त हूं, अब मैं आ नहीं सकता हूं। और वास्तव में संसारी प्राणी के जिंदगी में ऐसा ही होता है। मंदिर की आरती छूट जाएगी, मंदिर की पूजा छूट जाएगी, माला छूट जाएगी, लेकिन संसार का एक भी काम नहीं छूट सकता है। मैं समझूं आपके लिए शेर दिल, तब
जब संसार के सौकाम छोड़कर अपने लिए भगवान के चरणों में समर्पित करते, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। और सम्यक दृष्टि कभी गरीब नहीं होगा, विकलांग नहीं होगा, स्त्री नहीं होगा, क्या होगा, भगवान की तरह मुस्कुराता हुआ रहेगा। हम अपने स्वार्थों को छोड़ें, हम अपने स्वार्थों को छोड़ने लग जाते हैं तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी बन जाती है। जिंदगी ने पूछा सपना क्या होता है, जिंदगी ने पूछा सपना क्या होता है, हकीकत बोली बंद आंखों में जो अपना होता है, खुली आंखों में वही सपना होता है। आप सपना देख रहे हैं, जिंदगी का सपना देख रहा हूं, मेरा बेटा होगा इतना सुंदर होगा, उसकी बहू आएगी, उसके बच्चे होंगे, वो हमारी बात को सुनेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता चला जाता है, कोई भी अपना नहीं होता है। यहां तक कि ये शरीर भी हमारा साथ देने को तैयार नहीं होता है। किसी का सिर की प्रॉब्लम, किसी को पैर की प्रॉब्लम, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, किसी को किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, शरीर भी हमारा साथ देने को तैयार नहीं है, फिर भी हम किसी से कम नहीं है। आंखें तालाब नहीं, फिर भी दुख से पानी आ जाता है। हम आपसे ज्यादा क्या कहें, क्योंकि आप हमसे ज्यादा समझदार हैं। दुश्मनी बीज नहीं, फिर भी बोई जाती है। किस लिए बोते हैं प्यारी बहनों, दुश्मनी के बीज किस लिए बोए जाते हैं? क्षणिक मान सम्मान के लिए, मेरी तेरी करके इधर की उधर, उधर की उधर, एक कंदर्प वृत्ति मनुष्य के लिए दुखदाई है। हॉट कपड़ा नहीं, फिर भी सिल दिए जाते हैं, चुप रहिए, बोलने की आवश्यकता नहीं। और आदमी चुप रहता है। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि हमें अपनी जिंदगी को ऊंचा उठाना है। हम सब कुछ किस्मत के सहारे बैठ जाएंगे तो किस्मत भी एक जन्म से रूठ जाएगी। हमें पुरुषार्थ करना है, अच्छा पुरुषार्थ करना है, सत्य जीवन जीना है। मैंने कल आपसे सत्य कर्म करने के लिए काफी कुछ वार्तालाप की थी और आज फिर यही कहना चाहता हूं, हमें सत्य कर्म करना है। किस्मत पर आप जाना इतर आइए मत, अकड़त कितने दिन के लाने हैं, ये अकड़ बहुत दिन की नहीं है, और बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है। बड़े बड़े हाई कोर्ट के जजों को देखा, सुप्रीम कोर्ट के जजों को जाना, 105 डिग्री बुखार होने पर उनकी बुद्धि जंग लग जाती है, उन्हें फैसला करने की समझ खो जाती है। फिर हम क्या है, इंसान मौसम नहीं, फिर ही बदल जाता है। ये जो बदलने का स्वभाव है, ये समझा रहा है कि हम कितने खुदगर्ज हैं। जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में। निर्माणा बिहार वालों, जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में, जो खुश हुए भी अपने नहीं थे, और जो अपने थे वो खुश नहीं हुए। एक पल में आप नाराज हो जाते, मेरे से भी नाराज हो जाते हैं। एक पल में नाराज,
बुढ़े को 65 साल हो गई काम करते करते खुश करते करते, और तुम्हारे मन की नहीं करूं तो मेरे से भी जंग छेड़ लेते हैं। तब लगता है कि वास्तव में दर्द में अकेले और खुशी में पुबरा काफला पीछे तैयार खड़ा हो जाता है। मैंने इसका अनुभव पूरा किया है। अपनी पैर की प्रॉब्लम्स में लोग 2-2.5 महीने में उनको लगा कि इनकी फाइल खत्म होने वाली है, लोगों ने गुरु बदल दिए। गुरु बदल के करोगे क्या? गुरु मिलना नहीं, और एक माला तिलक के लिए गुरु चेंज कर लिए। पिछले भी लोगों ने कष्ट उठाए हैं और आज भी यदि गुरु बदलेंगे तो आपको कष्ट ही उठाना पड़ेगा, गुरु नहीं मिलेगा। माला तो जन्म जन्म से मिल सकती है, माइक भव भव मिल सकता है, लेकिन गुरु मरने के बाद भी जिंदा रहता है। अपने तमाम स्वार्थों को मनुष्य को बालाए ताक रख के मैं देखता हूं तुम्हारे पिताजी चले जाएं तो भी फोटो पर अब माला टांग के रखते स्मरण रखते हैं। लेकिन मैंने कहा 2.5 महीने में आप सोचते फाइल खत्म हो गई इनकी, अब खुलने वाली नहीं, चले जाएंगे। आपने तुरंत करवट ले ली। लेकिन मैं वह इंसान हूं जो मर नहीं सकता हूं। मैं अपने कर्म और पुण्य पर भरोसा रखा हूं। परिस्थितियां हर एक के साथ होती हैं, लेकिन उन सबका सामना करने का मेरा अलग अपना अंदाज है। जो साथ दे रहे हैं वो अमर हो रहे हैं, जो साथ दे रहे हैं पुण्य का बंद कर रहे हैं, जिन धर्म की वृद्धि करने के लिए 2 कदम चल रहे हैं, जो सोचते हैं कि फाइल बंद हो गई है, एक ही पेज तो खराब है, बाकी पूरी किताब सही है, चली तो नहीं पा रहा हूं, बाकी कौन सा काम रोक दिया है। मैं आपसे अंत में कहना चाहता हूं, अपने जीवन में गुरु को बदलोगे तो आपके लिए कुछ नहीं मिलने वाला है। आजकल ऐसा हो रहा है, अपनी दुकान चलाने को लोग कमजोर आदमी को पकड़ लेते हैं, दुकान चल गई फिर गायब हो जाएगी। इसलिए भैया अपनी फर्म का ध्यान रखो, जिंदगी भर आराम पाओगे, कष्टों में वो फरी तुम्हें उधार माल देगी, नहीं फर्म में कोई उधारी माल नहीं मिलने वाला। मैं भगवान महावीर का स्मरण करता हूं और चाहता हूं कि जो मल की चादर आप पर चढ़ गई है, मैली चादर, वो मैली चादर ओढ़ के भगवान के मंदिर में आने में शर्म आती है। इसलिए आपको कभी शर्म ना आए, इसलिए अपनी चादर को फिर से उजली कीजिए। एक पेज अगर गंदा हुआ वो भी कल रबर से साफ होने वाला है, फिर आप कहोगे। इसलिए कहने का कोई समय ना रहे, अच्छा ही अच्छा होता रहे, जिंदगी निहाल होगी। जय बोलिए महावीर भगवान की। आइए पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में भावों का श्रीफल अर्पण करें, और गुरु के प्रति हम उनको कुछ दे नहीं सकते, भावों का श्रीफल अर्पण करके अपनी भावांजलि पूज्य गुरुवर के पावन चरणों में रखें। भव भव में हे गुरुवर हम तेरे ही शेष रहे, भव भव में हे गुरुवर हम तेरे ही शेष रहे, जब तक ना मुक्ति मिले तेरा साथ अवश्य रहे, मोक्ष महल की चाबी आपने विद्या गुरु जी से पाई, हमको वहां तक ले जाने की
गुरु शरणम गच्छामि, गुरु शरणम गच्छामि। ओम रीम परम पूज्य पादे शिक्षण गुप्ति सागर साक्षात ब्रह्मांतर के पावन चरणों में मन से वचन से काय से उसका जला दी अर्गम द्रवपामिति स्वाहा। हे गुरुवर नमोस्तु 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 नमोस्तु।